मैं हूं आपके साथ आयुषी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। टाइगर 3 के लिए फैंस के बीच एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए कैटरीना कैफ का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। बता दें, अभी हाल ही में सलमान खान के लुक को लेकर भी पोस्टर आउट हुआ था। टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसी ने फैंस के बीच अपनी खास जगह बनाई हुई है, जिस वजह से फैंस को उनकी फिक्र भी रहती है। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा खुलासा किया है। बता दें, जैस्मिन इन दिनों बीमार हैं और एक्ट्रेस को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। एनिमल मेकर्स ने फिल्म से रणबीर और रश्मिका का नया पोस्टर जारी कर दिया है। इसमें इनकी इंटेंस केमिस्ट्री देखने को मिली है। बता दें कि इसी के साथ नए गाने का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर आजकल अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। बता दें, एक्ट्रेस को अभी हाल ही में उनके बॉयफ्रेंड के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। राखी सावंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में राखी सावंत ने नुसरत भरूचा के इजराइल में फंसने पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि मुझे लगता है कि नुसरत खुद एक तोप है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कंगना रनौत रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी किसी मॉडल से कम नहीं लगती। हाल ही में कंगना रनौत वेस्टर्न लुक में स्पॉट हुई हैं और एक्ट्रेस के इस स्टाइलिश लुक पर फैंस फिदा हो गए हैं। अक्षय कुमार का एक एड वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अक्षय कुमार शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ पान मसाले का एड करते दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर वो खूब ट्रोल भी हुए हैं। इसे लेकर एक्टर ने कहा कि ये उनका पुराना वीडियो है। पल्लवी जोशी पति विवेक अग्निहोत्री के साथ पांचवी फिल्म द दिल्ली फाइल्स की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि फिल्म की शूटिंग इस साल अंत या अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी। एक्ट्रेस शहनाज गिल की तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। साथ ही खबर है कि थैंक यू फॉर कमिंग प्रोड्यूसर रिया कपूर भी उनसे देर रात मिलने पहुंची। कॉफी विद करण का 8वां सीजन आने वाला है। कुछ दिन पहले ही शो का प्रोमो वीडियो सामने आया। वहीं अब कहा जा रहा है कि शो के पहले गेस्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अनवानी हो सकते हैं। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।